हमारे बराबर में कोई नहीं है। हम हिंदुत्व की लड़ाई करते हैं, हम हिंदुत्व की लड़ाई करते हैं, हिंदू की संरक्षण करते हैं। इसलिए हमारा अभियान है, इसका भी एकजुट हो जाइए और हम लोग एक तरफ से वोट करेंगे तो समाज को उम्मीद पर तो है ना, लेकिन करेंगे। इन पे उम्मीद है और भी मेयर प्रत्याशी है, उन पे नहीं है। देखिए जो काम करने लायक होते हैं, जो काम करते हैं और नज़र में आदमी को आ जाता है तो करने लायक है, तो उसी के वार्ड पार्षद चुने जाते थे, वो अपना प्रतिनिधि चुनते थे जिसमें खरीद फरोख्त की बात होती थी। तो ये लोग तो काम करने की मंशा से नहीं है तो लूटने की मंशा से लोग कुर्सी पर बैठा करते थे, और जो लूटने की मंशा से बैठेगा वो काम क्या करेगा? सरकार ऊपर में, सरकार पैसा दे रही है तो जाहिर है कि हमारे भाजपा के समर्थित मेयर जो विष्णु कुमार राउत जी बैठेंगे और जीतते हैं तो एक कड़ी बन जाएगा, कहीं कोई हर्डल वाली बात की। 40 वर्षों से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और हर तरह का सहयोग समाज के लोगों को करते हैं, इसलिए उनका बहुत ही अच्छा मैंने स्कोप है इस चुनाव में, मेयर चुनाव में जीतने का। आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, अभी हम लोग बड़ा बाजार में ऊपर कि विष्णु रावत जो मेयर पद के उम्मीदवार है, रोड रैली जो है निकाला जा रहा है इनके समर्थक लोगों द्वारा, खुद भी है यहाँ पे बाजार से होते हुए किशोरी लाल चौक तक ये लोग जाएंगे या और अलग अलग जो है वार्ड का भ्रमण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा समर्थन मिल रहा है, ये रोड रैली जो है कहाँ तक जा रही है। देखिए कल से जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है, शहर के सभी व्यवसायी वर्ग के लोग और जितने भी हमारे समुदाय के हैं लोग, हर वर्ग के लोग, सब लोग मिल करके इस जनसंपर्क में हमको 5 बजे से लेकर के पूरे शहर में भ्रमण करवाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे भरसरी घाट सप्ताह सरता से जाएंगे महाराजगंज रोड, महाराजगंज से सुभाष चौक होते हुए फिर सूरी स्कूल होते हुए फिर घूम करके आएंगे। आज का कार्यक्रम यही है और कल हमारा कार्यक्रम था स्टेशन। हम अभी भवन में निकल चुके हैं और आप लोगों से सभी जनता से आग्रह, कैसा सपोर्ट मिल रहा है सर लोगों का? अरे जन समूह एकदम भर गया है, चारों तरफ यही बात हो रहा है कि मोदी जी का चेला खड़ा है। भाजपा का सपोर्ट मिला है क्या कुछ कहना? भाजपा ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और एक कार्यकर्ता मधुबनी के बिहार से एक धारा बहेगी जो दिल्ली तक जाएगी। और भी बहुत मजबूत मेयर प्रत्याशी लोग हैं, क्या कुछ किसको देख रहे हैं अपने बराबर में? हमारे बराबर में कोई नहीं है, हम हिंदुत्व की लड़ाई करते हैं, हम हिंदुत्व की लड़ाई करते हैं, हिंदू की संरक्षण करते हैं। इसलिए हमारा अभियान है, इसका भी एकजुट हो जाइए और हम लोग एक तरफ से वोट लगेंगे। पैदल मार्ग जो यहाँ से निकाला जा रहा है इसमें एक दो अंकल लोग शामिल हैं, इनसे बात करते हैं, जानते क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार राउत हुआ, मैं बड़ा बाजार गदियानी का निवासी हूँ। आप आज जो है विष्णु रावत के पैदल मार्च में शामिल हुए, क्या कुछ लग रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है उनको मार्केट में? विष्णु रावत जी चूंकि 40 वर्षों से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और हर तरह का सहयोग समाज के लोगों को करते हैं, इसलिए उनका बहुत ही अच्छा मैंने स्कोप है इस चुनाव में, मेयर चुनाव में जीतने का, और निश्चित रूप से वह चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी है, इनको कहाँ देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि 40 साल से है तो मेयर पद के लिए जीत जाएंगे? क्योंकि और भी बहुत बहुत जो उम्मीदवार है अपने आप को बहुत बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मेयर पद के उम्मीदवार हैं, 40 सालों से सामाजिक सेवा में रहे हैं और भारी जन समर्थन इनको मिलता रहा है, साथ ही साथ भाजपा का समर्थन भी इनको मिल चुका है। ऐसी स्थिति में यह नंबर 1 की स्थिति में अभी आ रहे हैं। भाजपा का समर्थन मिलने से क्या नंबर 1 पे आ जाएंगे? भाजपा का समर्थन मिलने से निश्चित रूप से इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। मैं उषा झा बोल रही हूँ बड़ी बाजार से। आज जो ये पैदल मार्च में आप लोग शामिल हुए विष्णु रावत का, क्या कुछ लग रहा है कि कैसा उम्मीदवार है और क्या आप लोगों को जीतने के बाद जो है सहायता करेंगे? बोल रहे हैं कि 40 साल से जो है ये समाज सेवी है, तो क्या लग रहा है आगे भी समाज सेवी करते रहेंगे? जी हम लोग को तो लग रहे हैं और ये लोग सेवा करने वाले हैं, इनको इच्छुक हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो इनको भारी से भारी मतदान से तो इनको होना चाहिए, वोट होना चाहिए भारी से भारी, लेकिन हम लोग को करेंगे तो समाज को उम्मीद पर तो है ना, लेकिन करेंगे। इन पे उम्मीद है और भी मेयर प्रत्याशी है, उन पे नहीं है? देखिए जो काम करने लायक होते हैं, जो काम करते हैं और नज़र में आदमी को आ जाता है तो करने लायक है तो उसी को चुना जाता है, तो काम करने के लायक यही लग रहा है और कोई नहीं। नहीं
जो एक जो नजर में है अब यही कह के मैं। अच्छा और भी लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं, परिचय दीजिएगा। जी मेरा परिचय स्वर्णिम गुप्ता हुआ और क्षेत्रीय प्रभारी हो गए भाजपा के प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश में। आज जो ये पैदल मार्च निकाला गया है यहाँ से विष्णु रावत के समर्थन के लोगों के द्वारा, क्या कुछ लग रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है उनको मार्केट में? देखिए मैं भी मधुबनी का ही रहने वाला हूँ और मेयर का चुनाव है, बहुत सारे चुनावों को देखा हूँ। इससे पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो एक अलग तरीके का चुनाव होता, अभी नगर निगम मधुबनी आ गया। इस बार जनता ने को मौका है एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का, और ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सीधा उनका उनकी बात को सुने, विकास करने के लिए अपना स्वयं का निर्णय होता वो ले, क्योंकि ऐसी कुर्सी है मेयर की कुर्सी जो किसी भी जिला का नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगर सही नागरिक कुर्सी पर बैठता है तो अच्छे से काम कर सकता है। मधुबनी की जन समस्या अपार है, अतिक्रमण की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, कचरा डंपिंग की समस्या है, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे योजनाओं में घपलाबाजी जो शुरू से होता है, प्रधानमंत्री जी के आवास की समस्या की जो अभी बहुत दिन पहले जो आपने सुना होगा अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि काफ़ी कुछ जो उसमें भी गड़बड़ घोटाला हुआ है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब भी चुनाव होता था यहाँ के वार्ड पार्षद जो चुने जाते थे वो अपना प्रतिनिधि चुनते थे, जिसमें खरीद फरोख्त की बात होती थी, तो ये लोग तो काम करने की मंशा से नहीं है तो लूटने की मंशा से लोग कुर्सी पर बैठा करते थे, और जो लूटने की मंशा से बैठेगा वो काम क्या करेगा? उसके मन में तो पहले आ गया भैया हम जो अपना लगाए हैं वापस हो लागत। क्या लग रहा है कि ये जो है वो कुर्सी संभाल लेंगे और सारी ये जो परेशानी है उसको दूर कर देंगे? देखिए हम सबसे बड़ी बात बोलते हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी काम करने पर विश्वास करती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों रात मधुबनी का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन हम ये जो कह रहे हैं कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण जरूर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आपको स्मार्ट सिटी की योजना है, चाहे स्वच्छ पानी की योजना है, चाहे आपको परिवहन की है, इसके लिए दूरगामी सोच का पालन करती है। आप जितने भी मधुबनी शहर में स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, सरकार ने पूरे नगर विकास ने एक निर्णय लिया कि तमाम जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। आज वो योजना आप देख सकती है, पैन करके भी आप दिखला सकती है कभी भी। और दूसरी बात है कि आपको कार्य का जो करने का संस्कृति है, अभी मधुबनी कैनाल की बात है, ये भाजपा सरकार ने स्वीकृत किया। जब हमारी सरकार ऊपर में है, सरकार पैसा दे रही है, तो जाहिर है कि हमारे भाजपा के समर्थित मेयर जो विष्णु कुमार राउत जी बैठेंगे और जीतते हैं तो एक कड़ी बन जाएगा, कहीं कोई हर्डल वाली बात नहीं रहेगी, बिल्कुल काम होगा। और भरोसा रखिए अगर ये जीतते हैं तो बिल्कुल काम होगा, भरोसा है हम लोगों को, तभी जनता अपार जो जन समर्थन इनको मिल रहा है और जा रहे हैं। बाकी तो बाकी लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो निर्णय लेगी स्वीकार होगा। चलिए धन्यवाद।